आज मैं आपको एक ऐसे संत के बारे में बताऊंगा जिन्होंने सुसमाचार रचयिता योहन से बपतिस्मा ग्रहण किया और ईश्वर के वचन को दृढ़ता से फैलाने लगे। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर साल 23 फरवरी को संपूर्ण कलीसिया संत पॉलीकार्प का पर्व मनाती है। संत योहन प्रचारक ने उन्हें धर्म शिक्षा दी थी और धर्म शिक्षा देने के बाद उन्होंने संत पॉलीकार्प को बपतिस्मा दिया था। तब उनकी उम्र 37 वर्ष थी। संत योहन प्रचारक ने उन्हें तुर्की देश में स्मिरना शहर का एक धर्माध्यक्ष बना दिया। जब तुर्की देश में ख्रिस्तियों पर अत्याचार होने लगे और दरिद्रता आई, तब संत पॉलीकार्प ने एक काबिल धर्माध्यक्ष होने के नाते लोगों की सेवा की। सन 155 ईस्वी में जब वे 86 वर्ष के थे, तब संत पॉलीकार्प ने रोम जाने का निश्चय किया। वे रोम जाकर संत पापा से मिलना चाहते थे और पुनरुत्थान की सही तारीख पर विचार विमर्श करना चाहते थे। वे रोम गए और उन्होंने संत पापा की मुलाकात की और वहां पर उन्होंने बताया कि पूर्वी परंपरा के अनुसार पुनरुत्थान की सही तारीख निसान महीने के 14वें दिन पड़ती है और फिर चाहे वह दिन सप्ताह का कोई भी दिन हो। पर संत पापा ने उनकी यह बात नहीं मानी। फिर भी संत पॉलीकार्प संतुष्ट होकर स्मिरना लौट गए। जब उनके शहर में ख्रिस्तियों पर अत्याचार हो रहे थे, तब संत पॉलीकार्प को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें राजा के सामने लाया गया। राजा ने उनसे कहा कि आप सीजर की शपथ लें और प्रभु येसु को श्राप दें। इस पर संत पॉलीकार्प ने कहा कि मैं 86 वर्ष का हूं, आज तक प्रभु येसु ने मुझे कभी विफल नहीं बनाया, तो आज मैं कैसे अपने राजा और मुक्तिदाता की निंदा कर सकता हूं। इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने संत पॉलीकार्प को जलाने के आदेश दिए। जब संत पॉलीकार्प को ईंधन के गड्ढे में रखकर जलाया जा रहा था, तब संत पॉलीकार्प प्रार्थना कर रहे थे और जब आग लगाई गई, तब आग की लपटें उन्हें जला नहीं पाई, इसीलिए उन्हें फिर भाले से मारा गया और उनके शव को जला दिया गया। सन 161 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। संत पॉलीकार्प एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने विश्वास के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो आइए, ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम संत पॉलीकार्प का पर्व मनाते हैं, हम उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि हम भी अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे और प्रभु येसु की महिमा निरंतर करते रहें।